महाभारत में जब कर्ण के पुत्र वृत्रसेन का वध हो जाता है तब कर्ण को बड़ा दुख हुआ और अपने दोनों नेत्रों से आंसू बहाता हुआ क्रोध में लाल होकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। अर्जुन और कर्ण को युद्ध के लिए तैयार देख कौरव और पांडव पक्ष के लोग शंख और भैरी बजाने लगे। दोनों वीरों के इस महायुद्ध को देखने के लिए देव, दानव, नाग, गंधर्व, यक्ष सभी नाना प्रकार के वेश धारण कर अंतरिक्ष में खड़े थे, जिनमें देवादि देव महादेव और ब्रह्मदेव भी आए हुए थे। देवताओं के मन में इस युद्ध के परिणाम को जानने के लिए जिज्ञासा हुई। तब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे देव, आप पहले ही बता चुके हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है, आपकी यह बात सच होनी चाहिए। देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी और शंकर जी ने कहा, हे देवराज, महात्मा अर्जुन की ही विजय निश्चित है। उन्होंने खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया है, स्वर्ग में आकर तुम्हें भी सहायता पहुंचाई है, इसलिए उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संसार के स्वामी साक्षात भगवान नारायण ने उनका सारथी होना स्वीकार किया है। इस प्रकार अर्जुन विजय दिलाने वाले संपूर्ण सद्गुणों से युक्त है। इसके अलावा उनकी विजय देवताओं का ही तो एक कार्य है। अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं तपस्वी है। श्री कृष्ण तथा अर्जुन के क्रोध करने पर यह संसार कहीं नहीं टिक सकता। यह दोनों ही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता और यह सबको अपने शासन में रखते हैं। देवलोक या मनुष्य लोक में इन दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। अतः विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। ब्रह्मा जी और शंकर जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है उसे तुम लोगों ने सुना ही होगा, वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है, अतः अब निश्चिंत हो जाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर समस्त प्राणी हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग कई तरह के दिव्य बाजे बजाने लगे। दोस्तों, महाभारत की यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।